हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग एक्सचेंज को हम आगे बढ़ा रहे हैं अब तक हमने टोटल चार सिचुएशन देख चुके हैं हमने देखा था कि रिटेन बिल ऑनर होता है तो क्या एंट्रीज पास होती है रिटेन बिल डिसऑनर होता है तो क्या एंट्रीज पास होती है डिस्काउंटेड बिल ऑनर और डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर होता है तो क्या एंट्रीज पास होती है अब तक हमने ड्रॉवर और ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज देखी है आज हम एक नई सिचुएशन पे बात कर रहे हैं इंडोसमेंट से ठीक है जब बिल इंडोस होता है और ड्यू डेट पे ऑनर होता है और डिजॉनर होता है हम उस पर डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में हम सिर्फ इंडोस बिल ऑनर होता है उसकी एंट्रीज पर बात करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं एंडोसमेंट से देखिए एंडोसमेंट को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया फिर भी एक ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ एंडोसमेंट क्या होता है आ, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है परचेज सेल का मिस्टर ए सेलर है और मिस्टर बी बायर है ठीक है क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है मिस्टर ए ने मिस्टर बी पर एक बिल रेस किया है तीन महीनों के लिए ठीक है उसी वक्त मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स से कुछ परचेज किया है ठीक है सो so, ये सेकेंड जो ट्रांजेक्शन हुआ उसमें मिस्टर ए बायर है और मिस्टर एक्स सेलर है और फर्स्ट ट्रांजेक्शन में मिस्टर ए सेलर है और मिस्टर बी बायर है ठीक है सो so, अब मिस्टर ए के पास जो बिल जो मी मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया था वो बिल रखा हुआ है सो मिस्टर ए क्या करते हैं वो बिल मिस्टर एक्स को दे देते हैं और मिस्टर एक्स को कहते हैं कि ड्यू डेट पे मिस्टर बी से पेमेंट कलेक्ट करना ठीक है ये इसको कहा जाता है एंडोर्समेंट मिस्टर ए और मिस्टर एक्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है बिल का वो एंडोर्समेंट कहा जाता है ठीक है तो इसमें टोटल तीन सेट ऑफ बुक्स बनेगी एक बनेगी ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ड्रावी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इंडोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडोसी कौन होता है मिस्टर एक्स इंडोसी हो जाएगा और मिस्टर ए इंडोसर कहलाएगा इंडोसमेंट के प्रोसेस में ठीक है चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंट्रीज देखिए बेसिक एंट्रीज सबसे पहले तो एंट्री होगी मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में परचेज और सेल की एंट्री होगी ठीक है सो so, हम साइमल्टेनियसली uh, तीनों uh, बुक्स बनाएंगे ड्रॉवर की बनाएंगे ड्रॉवी की बनाएंगे और इंडोसी की बनाएंगे मिस्टर पहले मिस्टर ए और मिस्टर so, बी के बीच में परचेज सेल का ट्रांजेक्शन हो रहा है मिस्टर ए के लिए ये सेल है क्रेडिट सेल है तो एंट्री आएगी मिस्टर बीज अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट और मिस्टर बी के लिए ये परचेज का ट्रांजेक्शन क्रेडिट परचेज का ट्रांजेक्शन तो मिस्टर बी एंट्री पास करेगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू तो मिस्टर एज अकाउंट ठीक है इंडोसी फिलहाल कोई एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि वो अभी तक पिक्चर में नहीं आया है ठीक है फिर मिस्टर ए मिस्टर बी के ऊपर बिल रेस करेंगे जो कि मिस्टर बी बिल को एक्सेप्ट करेंगे एक्सेप्टेंस पे मिस्टर ए एंट्री पास करेंगे बिल रेस करने की बिल रेस करने की एंट्री क्या होती है ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू तो मिस्टर बीज अकाउंट ठीक है और मिस्टर बी एंट्री पास करेंगे मिस्टर एज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट ठीक है ये हो गई बिल रेस करने की एंट्री ठीक है अब मिस्टर ए और मिस्टर एक्स के बीच में ट्रांजैक्शन होगा परचेज और सेल का देखिए आपको क्वेश्चन के हिसाब से ट्रांजेक्शन को पास करना है कभी कभी आपको परचेज सेल की एंट्री नहीं पूछता है ऐसे सिचुएशन में आपको ये एंट्रीज पास नहीं करनी है ठीक है so, सो फिलहाल मिस्टर ए और मिस्टर एक्स के बीच में परचेज सेल का ट्रांजेक्शन है मिस्टर ए परचेजर है मिस्टर एक्स सेलर है मिस्टर ए क्या एंट्री पास करेंगे मिस्टर ए एंट्री पास करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एक्स अकाउंट ठीक है और मिस्टर एक्स सेल की एंट्री पास करेंगे क्रेडिट सेल की एंट्री मिस्टर एक्स एंट्री पास करेंगे मिस्टर एज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट ठीक है क्या इतना समझ में आ गया ओके अब मेन एंट्री आ रही है जो कि एंडोसमेंट की एंट्री है जो बिल मिस्टर ए के पास है बिल रिसीवेबल जो मिस्टर ए के पास है वो अब मिस्टर एक्स को वो दे रहे हैं ठीक है मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी बिल बिल रिसीवेबल बिल रिसीवेबल जाता है जिस किसी के पास से जाता है तो वो क्रेडिट करता है, को, और जिस किसी के पास आता है वो अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट करता है ठीक है सो मिस्टर ए बिल रिसीवेबल दे रहे हैं मिस्टर एक्स को सो मिस्टर ए बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे तो मिस्टर ए एंट्री पास करेंगे मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल बिल रिसीवेबल गया तो क्रेडिट और जिसको दिए उसको डेबिट तो मिस्टर अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट ठीक है और मिस्टर एक्स क्या एंट्री पास करेंगे मिस्टर एक्स के पास बिल रिसीवेबल आ रहा है ठीक है सो so, वो बिल रिसीवेबल को डेबिट करेंगे ठीक है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू टू किसके पास से आ रहा है मिस्टर ए के पास से आ रहा है सो मिस्टर ए को क्रेडिट करेंगे क्या ये एंट्री समझ में आई बिल एंडोसमेंट की ये एंट्री है ठीक है देखिए एंडोसमेंट की एंट्री ड्रॉवी पास नहीं करेगा क्योंकि ड्रॉवी को एंडोसमेंट से कोई लेना देना नहीं है ठीक है सो so, ड्रॉवी की बुक में नो एंट्री आएगी ठीक है जैसे एंडोसमेंट होता है ड्रॉवर इंडोसर बन जाता है और ड्रॉवी जिसको एंडोस हुआ है वो एंडोसी बन जाता है ठीक है अब ड्यू डेट पर एंडोसी बिल लेके जाएगा ड्रॉवी के पास और पेमेंट कलेक्ट कर लेगा ठीक है अब हमारी ये जो सिचुएशन है उसमें बिल ऑनर हो रहा है सो ऑनर हो रहा है तो हम सबसे पहले ड्रॉवी की बुक में एंट्री पास करेंगे ऑनर की हमने एंट्री देखी थी ड्रॉवी ऑनर की एंट्री क्या पास करता है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक ठीक है अब ये पेमेंट मिल रहा है एंडोसी को तो एनडोसी के लिए तो पेमेंट आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या जा रहा है बिल बिल रिसीवेबल रिसीवेबल जा रहा है है वो ड्रॉवी को वापस करेगा ठीक तो कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या ये एंट्री समझ में आ गई है देखिए ये पूरी तरह से हमारा एंडोसमेंट की सारी एंट्रीज आपको आ गई है ओके क्विकली एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं एंडोसमेंट uh, पर ठीक है नोट डाउन कीजिए ऑन टेंगस्ट टू थाउजेंड टेन राम ड्रूटर डेट बिल ऑफ रुपीजेंड फॉर थ्री मंथ ऑन लक्ष्मण ऑन अगस्त 2010 राम गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम भरत फॉर रूपीज फिफ्टीन थाउजेंड ठीक ऑन द सेम डेट राम एंड डॉस लक्ष्मण बिल इन फेवर ऑफ भरत एंड पेड द बैलेंस बाय

ठीक है सबसे पहले एक हम ड्रा कर लेते हैं तो हमें क्लियर क्लैरिटी आ जाएगी किसने किसे परचेस किया है तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो राम और लक्ष्मण के बीच में हुआ था ठीक है राम ने बिल देखिए क्वेश्चन में लिखा है राम ड्रू आफ्टर डेट बिल मतलब राम सेलर हो गया राम ड्रॉवर हो गया और लक्ष्मण हो गया जो बायर हो गया तो रा, राम और लक्ष्मण का ट्रांजैक्शन लेते यहाँ पर जो एंट्री है यहाँ बिल रेस करने से एंट्री आ रही है यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पे भी परचेज सेल की एंट्री उसने नहीं पूछा है ठीक है सो हमें आंसर में परचेज सेल की एंट्री नहीं माननी हम हमें डायरेक्ट बिल रेस करनी है वो एंट्री पास करनी है ठीक है कौन सी डेट पे टेंथ ऑफ अगस्त को ठीक है फिर उसके बाद 16 अगस्त को राम ने परचेज किया भरत से सो अब राम और भरत के बीच में आ गया राम परचेजर बनेगा और भरत सेलर बनेगा ठीक है आ, दस अगस्त की बात सॉरी सोलह अगस्त की बात है ओके तीन महीनों का बिल है आफ्टर डेट का बिल है आ, ठीक है तो ड्यू डेट क्या होगी टेंथ अगस्त है थ्री मंथ है मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर टेंथ नवंबर हमारी नॉमिनल ड्यू डेट आएगी तीन दिन का हम ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे तो लीगल डेट आएगी थर्टींथ ऑफ नवंबर टू थाउजेंड टेन थर्टीन नवंबर को कोई भी हमारी हॉलीडे नहीं होती है तो थर्टीन नवंबर हमारी फाइनल ड्यू डेट बन जाएगी ठीक है देखिए फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो दस हजार का ट्रांजेक्शन है सेकंड ट्रांजेक्शन जो हुआ है वो पंद्रह हजार का हुआ है ठीक है क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि जो बिल एंडोस हो रहा है दस हजार का बिल रा, राम ने भरत को दिया है उसके साथ साथ जो बैलेंस अमाउंट है पांच है वो बैंक के थ्रू पेमेंट भी किया है ठीक है तो जो एंडोर्समेंट की एंट्री होगी ना उसके साथ साथ हम पेमेंट की एंट्री भी पास करते हैं हम मैं आपको दो तरीके से ये एंट्रीज बताऊंगा कि दो तरीके से एंट्री किस तरह पास की जाएगी ठीक है पहले तो एक आ, 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 सेपरेट सेपरेट एंट्री बताऊंगा मैं दो अलग अलग एंट्री हम लोग पास करेंगे और एक एंट्री हम क्लब करके ठीक है हमें एग्जाम में क्लब की हुई एंट्री पास करना है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको दो एंट्री बता रहा हूं ठीक है चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राम और लक्ष्मण के बीच में एंट्रीज पास करते बिल रेस करने की एंट्री डेट है टेंथ ऑगस्ट टू थाउजेंड टेन राम पास करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू लक्ष्मण अकाउंट रुपीज टेन थाउजेंड नरेशन आप पास कीजिए ठीक है सेकेंड उसी टाइम लक्ष्मण अपनी बुक में पास करेगा टेंथ ऑफ अगस्त को राम अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल लक्ष्मण के लिए ये बिल्स पेबल है ठीक है नेक्स्ट 16 अगस्त को राम और भरत के बीच में परचेज और सेल की एंट्री है तो हमें वो एंट्री पास करनी पड़ेगी ठीक है सिक्सटीन अगस्त की डेट है राम के लिए परचेज 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 है 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 क्रेडिट क्रेडिट की एंट्री अकाउंट डेबिटेड टू भरत अकाउंट रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है भरत एंट्री सेल की एंट्री पास करेगा भरत एंट्री पास करेगा राम्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट ठीक है डेट आएगी सिक्सटीन ऑगस्ट टू थाउजेंड टेन ओके okay. क्या अभी तक एंट्रीज आपको समझ में आ गई है आ, अब बात कर रहे हैं एंडोसमेंट की ठीक है एंडोसमेंट हो रहा है 16 अगस्त को एंडोसमेंट हो रहा है सो सबसे पहले मैं राम की बुक में पास करूंगा देखिए बिल जा रहा है दस हजार का लेकिन जो परचेज हुआ था वो पंद्रह हजार का हुआ था तो मैं दो एंट्री पास कर रहा हूं ठीक है पहली एंट्री बिल एंडोर्समेंट की तो की एंट्री मैंने बताया बिल रिसीवेबल जा रहा है, तू, बिल 10 ,000, 10 ,000, ठीक है? अभी पांच हजार का पेमेंट करने का बाकी है सो so, क्या क्या एंट्री पास करेगा क्वेश्चन uh, में दिया है कि पेमेंट बाई चेक हो रहा है ठीक है मतलब टू बैंक करूंगा मैं डेबिट क्या करूंगा भरत अकाउंट भरत अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट रुपीज फाइव थाउजेंड जो बैलेंस का है वो ठीक है दो एंट्रीज हो गई है अब इन दो एंट्रीज को हमें क्लब करके एक एंट्री पास करना है ठीक है तो क्या एंट्री होगी देखिए पेमेंट फिफ्टीन थाउजेंड का करना है और बिल टेन थाउजेंड का है, ओके बिल जा रहा है राम के पास से तो राम एंट्री पास कर रहा है टू बिल रिसीवेबल टेन थाउजेंड ठीक है लेकिन राम को भरत को कितना पे करना है फिफ्टीन थाउजेंड तो राम भरत को डेबिट कितना करेगा फिफ्टीन थाउजेंड भरत अकाउंट डेबिटेड फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है so, सो फिफ्टीन थाउजेंड डेबिट है और टेन थाउजेंड क्रेडिट है Further, तो मैं क्रेडिट कर रहा हूं बैंक को पेमेंट हो रहा है टू बैंक अकाउंट तो ये एंट्री हमारी फाइनल एंट्री बनी भरत अकाउंट डेबिटेड फिफ्टीन थाउजेंड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टेन थाउजेंड टू बैंक अकाउंट एग्जाम में हमें ये एंट्री पास करनी है ठीक है देखिए हम भरत के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बात कर रहे हैं जो भरत है वो उसके लिए बिल रिसीवेबल आ रहा है तो बिल रिसीवेबल को डेबिट 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 करेगा debit से करेगा से करेगा किससे से बिल रिसीवेबल अकाउंट है है ठीक अब हम राम की बुक की जो एंट्री है उसी को देखेंगे एग्जैक्टली exactly वो रिवर्स होने वाली है देखिए वहां पर बिल रिसीवेबल क्रेडिट है टेन थाउजेंड से यहां बिल रिसीवेबल डेबिट है टेन थाउजेंड से वहां बैंक फाइव थाउजेंड uh, से क्रेडिट था यहाँ पर बैंक 5000 से डेबिट हो जाएगा ठीक है तो डेबिट डेबिट बिल 5000 बैंक टू किससे पेमेंट आ रहा है टू राम से आ रहा है तो टू राम्स अकाउंट फिफ्टीन ठीक है सो फाइनल एंट्री भरत की बन गई एंडोस्टमेंट uh, की जो की बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राम्स अकाउंट क्या ये एंट्री आपको क्लियर है आ, अब की मैंने बताया था कि ड्रॉवी कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा तो सोलह को ड्रॉवी की बुक में नो एंट्री आपके रेफरेंस के लिए है एग्जाम में आपको नहीं लिखना है नो एंट्री ठीक है अब ड्यू डेट ड्यू डेट आ रही हमारी थर्टींथ नवंबर 2010 को अभी हमने कैलकुलेट किया था तो सबसे पहले ड्यू डेट में हम हम सबसे पहले ड्रॉवी की बुक में एंट्री पास करेंगे ऑनर हो रहा है ऑनर की एंट्री ड्रॉ क्या पास करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट ठीक है पेमेंट भरत को मिल रहा है तो भरत के लिए तो पेमेंट आ रहा है तो कैश बैंक को भरत डेबिट करेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वो बिल वापस करेगा तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट ठीक है बिल रिसीवेबल को क्रेडिट हो गया ओके ड्रॉवर जो कि राम है वो ड्यू डेट पे कोई भी एंट्री नहीं पास करेगा ठीक है तो इस तरह से की पूरी एंट्री कंप्लीट हो गई ठीक है? तो इस तरह से हमने ये बिल uh, ऑनर की सिचुएशन को कंप्लीट किया नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे तो हम पढ़ेंगे एंडोस बिल जब डिजोनर होता है तो क्या एंट्रीज पास होती है ठीक है फिलहाल के लिए इतना हमने इंडोर्स बिल ऑनर की एंट्रीज को कंप्लीट किया है नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे तो इंडोर्स बिल पे ऑनर करेंगे डिस्कस है थैंक यू